पाकिस्तानी लिंक वाली किसी भी फिल्म्स को इंडिया में स्क्रीन ना करने का थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने ले लिया है फैसला, और इसका मतलब साफ है कि ये करण जौहर के लिए है बड़ा सेटबैक। करण जौहर ने फवाद खान को अपनी फिल्म में रिटेन करने का फैसला किया है। ऐसे में ए दिल है मुश्किल को थिएटर्स में रिलीज मिल पाना मुश्किल लग रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट कीपिंग इन माइंड द पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, we the cinema owners and exhibitors association of india request all our member exhibitors to refrain from screening movies which have involvement of any pakistani artist technician directors music directors etc. These khabrein fatafat. आमिर खान को फिल्म ठग के लिए नहीं चाहिए वाणी कपूर। आमिर का फिल्म को लेकर इंटरफेरेंस शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर बिग बी स्टारर इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए आदित्य चोपड़ा वाणी कपूर को साइन करना चाहते थे, लेकिन आमिर खान को इस कास्टिंग से थी दिक्कत। ऐसे में फिल्म की एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर फिर से हंट शुरू कर दी गयी है।